हेलो फ्रेंड्स, आपका भी टेक्निकल में स्वागत है और मैं आज आपके एक नया वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं आपसे बात करना चाहूंगा नोकिया के नए डिवाइसेस के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि नोकिया इंडिया ने आज नए बहुत सारे डिवाइसेस लॉन्च करे हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में नोकिया 6 के बारे में जो कि 2018 एडिशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे और हम ये भी बताएंगे कि आपको ये डिवाइस लेना चाहिए या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नोकिया 6 आपको देखने को मिल रहा है 2018 एडिशन और बिल्ड क्वालिटी इसमें बहुत ही एक्सीलेंट है। मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, अगर आप इसको खुद हाथ में लेंगे तो आप बता सकते हैं कि कितना प्रीमियम डिवाइस है ये। मगर आपको इसमें वही टिपिकल 16:9 का डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि अब बहुत पुराना हो चुका है। इसमें कम से कम 18:9 का डिस्प्ले देना चाहिए था, फिर भी जो ऑफर कर रहा है वो ठीक ही है। आपको यहाँ पर हार्डवेयर सेक्शन पे ले जाके देखते हैं तो आपको इसमें 4GB ऑफ रैम मिल जाती है, 3GB रैम का एक मॉडल अवेलेबल है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 630 मिलता है जो कि ये भी नया प्रोसेसर है जो कि आपको 60% ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देता है और बैटरी बैकअप भी ज़्यादा देता है ओरिजिनल नोकिया 6 से। और इस डिवाइस से मुझे एक कमी लगती है, इसमें दो कमी है एक्चुअली। तो आपको पता होगा कि जो नोकिया 6 का 2017 एडिशन था उसमें आपको स्टीरियो स्पीकर्स का ऑप्शन देखने को मिलता था, मगर इसमें स्टीरियो स्पीकर्स नहीं है। और नोकिया 6 2017 एडिशन में आपको फ्रंट में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता था क्योंकि उसमें भी 16:9 का डिस्प्ले था। इसमें भी वही 16:9 का डिस्प्ले है मगर इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर बैक में दिया गया है जो कि ऑकवर्ड सी बात है। उन्होंने कम से कम 16:9 में फिंगरप्रिंट तो देना चाहिए था, वो भी फ्रंट में, फिर भी जो ऑफर कर रहा है फिर से वही वाली बात आ गई। अब आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर सेक्शन में जाते हैं तो ये सबसे बढ़िया चीज लगती है नोकिया के डिवाइसेस की। तो आपको इसमें अनलिमिटेड फोटो क्वालिटी स्टोरेज मिलती है और जैसे कि आपको सारी गूगल्स की सर्विसेज मिलती है वो आपको सारी सर्विसेज मिलेगी। आपको 2 ईयर्स ऑफ OS अपग्रेड मिलेगा और ये एंड्रॉयड ओरियो आउट ऑफ बॉक्स आता है, तो मतलब ये एक एंड्रॉयड 1 डिवाइस है। तो सबसे बढ़िया चीज यही लगती है नोकिया के डिवाइसेस की, अपडेट्स के मामले में सबसे आगे है नोकिया। अब इसमें आपको जाइस ऑप्टिक्स देखने को मिलते हैं जो कि सिर्फ नोकिया के लिए ही अवेलेबल है। इसमें आपको सिंगल कैमरा मिलता है जो कि है बैक में 16 मेगापिक्सल का, आपको फ्रंट में मिलता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि 4K रिकॉर्डिंग भी कर सकता है दोनों कैमराज। आपको इसमें नोकिया का डुअल साइट ऑप्शन भी देखने को मिलता है जिसका मतलब है कि आप आगे और पीछे दोनों कैमरों को साथ में चला सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन के जैसे। और आपको इसमें फेसबुक लाइव एंड यूट्यूब लाइव करने का भी ऑप्शन मिलता है। और जैसे कि मैंने ऑडियो के बारे में बता दिया था आपको इसमें वही चीज मिलती है। इसमें आपको 5.5 इंचेस का फुल HD IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि लॉन्च इवेंट में उन्होंने बताया था कि बहुत अच्छे कलर्स प्रोड्यूस कर सकता है। और इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास भी दिया गया है मगर इसमें बताया नहीं गया कि कौन सा वर्जन है, मेरे हिसाब से 3.3 होगा। आपको इसमें 6000 एल्यूमिनियम सीरीज यूनिबॉडी देखने को मिलती है जो कि बहुत ही स्ट्रांग है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में अगर कहा जाए तो ये डिवाइस बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, मगर फिर और इसमें आपको और कलर्स भी देखने को मिलते हैं जो कि ब्लैक है, सिल्वर है और एक थोड़ा सा ब्लू, नेवी ब्लू कलर में आपको देखने को मिलता है। अब ये डिवाइस की चलिए बात करते हैं कि आपको खरीदना चाहिए नहीं। तो नोकिया ने इस बार पता नहीं क्या समझ के प्राइसिंग रखी है, ये डिवाइस आपको कॉस्ट करेगा 16,999 रुपीज जो कि अप्रोक्स 17,000 रुपीज है। तो ये इस डिवाइस के लिए क्या आप इतना पे करना चाहेंगे? अगर मैं होता तो मैं इसको पे नहीं करूंगा क्योंकि भले इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो मगर जो ये चीजें ऑफर कर रहा है उसके हिसाब से ये ओवर प्राइस्ड है। अगर ये कम से कम 13,000 या 14,000 में आता तो ये बिक भी जाए मगर ये ओवर प्राइस्ड है। अगर जो नोकिया लवर्स हैं और उनके ज्यादा बजट भी नहीं है तो वो इस डिवाइस को देख सकते हैं, ये उनके लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। मगर अभी भी मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं जैसे कि हमारा रेडमी नोट 5 प्रो हो गया जो कि बहुत ही अच्छी तरह से सेल हो रहा है और इससे कई गुना अच्छा भी है, मगर बिल्ड क्वालिटी में नोकिया ही बढ़िया है। और आपको एंड्रॉयड अपडेट्स भी इसमें बहुत ही अच्छी तरह मिलेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लेना है नहीं। अगर आप एक नोकिया फैन है और एक बजट में डिवाइस देख रहे हैं नोकिया का तो आप ये वाला डिवाइस देख सकते हैं जो कि 17,000 रुपीज आपको कॉस्ट करेगा। सो अभी टेक्निकल की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको जरूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि अभी नोकिया 7 प्लस एंड नोकिया 8 सिरोको की भी वीडियो आने वाली है। थैंक यू।